फैन में ब्लू कलर की 6 LED आप देख रहे हैं। फैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो यूजर स्वयं भी इस सर्किट को निकालकर दूसरा नया सर्किट, फैन की स्पीड एक समान रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में एटमबर्ग के एक बिल्कुल लेटेस्ट फैन की जानकारी आपको देने वाले हैं। एटमबर्ग कंपनी केवल BLDC फैन ही बनाती है, क्वालिटी में तो बेहतर है ही, परंतु कंपनी के पास मॉडल भी बहुत हैं। और इस साल कंपनी ने एक नया मॉडल आइकैनो के नाम से यह निकाला है, तो अनबॉक्सिंग करते हुए इस मॉडल की पूरी जानकारी आज आपको देंगे। एक मैनुअल गाइड है, यही इसका वारंटी कार्ड है। इस फैन की 3 ईयर कंपनी ने वारंटी दी है। साथ में एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रिमोट दिया गया है। एटमबर्ग कंपनी के जितने भी फैन हैं सभी रिमोट में ही आते हैं, रिमोट से फैन को कंट्रोल किया जाता है। रेगुलेटर की आवश्यकता इन फैन के साथ में नहीं पड़ती है। रिमोट में डालने के लिए 2 सेल भी दिए गए हैं और यह है वह फैन जो कंपनी ने बिल्कुल नया निकाला है आइकैनो के नाम से। नीचे की तरफ इसमें 6 LED दी गई हैं डिस्प्ले के लिए। जैसे इस फैन को हाथ से ही घुमाकर आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि LED ग्लो हो जाएगी। इस फैन में जो 6 LED दी गई है इनको आप चाहें तो ऑन करके भी रख सकते हैं और चाहे तो रिमोट से आप ऑफ करके भी रख सकते हैं। रिमोट में मैं देख रहा हूं कि मुझको यह बहुत हल्का फैन लग रहा है। 4 कलर में फैन आते हैं, जैसे एक यह है व्हाइट कलर है, एक दूसरा ब्लैक कलर में आता है, एक कलर यह है ब्राउन है और एक कलर क्रीम कलर का है। तो इस प्रकार इसके 4 कलर हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ में इसके 3 ब्लेड दिए गए हैं। ब्लेड का साइज और डिजाइन आप इस फैन में देख सकते हैं। आइकैनो के जितने भी फैन आएंगे सभी का ब्लेड का डिजाइन यही रहेगा, केवल कलर अलग अलग रहेंगे। फैन का ऊपर का यह हिस्सा मेटल का है लेकिन नीचे का जो यह हिस्सा है कंपनी ने यह प्लास्टिक में दिया है। यह कारण भी हो सकता है कि यह फैन वेट में हल्का है। इसको ओपन करके अंदर से भी इसको देखेंगे, उससे पहले इसको चलाकर और इसके रिमोट के फंक्शन आपको दिखा देते हैं। फैन को मेन बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है, स्विच को ऑन कर देते हैं। BLDC फैन धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं, इनका कोई भी जर्क लोड नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि इंडक्शन फैन या कोई भी इंडक्शन मोटर जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए जर्क लोड उनका आता है, लेकिन BLDC फैन या BLDC कोई भी मोटर होता है उसका जर्क लोड नहीं होता और धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं। तो जैसे फैन स्पीड पकड़ चुका है, अभी LED आप यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी LED ऑन नहीं है। रिमोट में एक LED का बटन यहां पर दिया हुआ है, यदि इस LED के बटन को आप ऑन करेंगे तो देखेंगे कि फैन में LED ग्लो होने लगेगी। इस फैन में ब्लू कलर की 6 LED आप देख रहे हैं। यदि आप LED को ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, ऑफ रखना चाहें तो रिमोट से ऑफ भी कर सकते हैं। रिमोट में हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 तक स्पीड दी गई है और सेंटर में B लिखा हुआ है, तो बूस्ट स्पीड भी इसकी कर सकते हैं। रिमोट में स्पीड के अलावा एक बटन दिया हुआ है स्लिप का। यदि आप स्लिप के बटन को ऑन करते हैं तो फैन की धीरे धीरे एक दो घंटा बाद स्पीड कम होती रहती है। बीच का बटन LED का है और एक बटन इसमें टाइमर का दिया हुआ है। यदि आप टाइमर के बटन को एक बार दबाएंगे तो 1 घंटे के बाद फैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और यदि 2 बार दबाएंगे तो 2 घंटे के बाद ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ फीचर इस फैन में और रिमोट में दिए गए हैं। यह फैन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें, इसका कंपैरिजन हम एटमबर्ग के दूसरे फैन से करके आपको दिखाएंगे। और अब इसको ओपन करके अंदर से भी देख लेते हैं। फैन के इस कवर को या ढक्कन जो भी कहिए उतारने के लिए इस साइड में 3 स्क्रू दिए गए हैं, जो ब्लैक कलर के स्क्रू हम देख रहे हैं। इनको हम ओपन करेंगे तो यह कवर अलग हो जाएगा। स्क्रू खोल दिए हैं और नीचे का यह कवर हम देख रहे हैं कि इसका ओपन हो गया है। फैन में जो सर्किट दिया गया है पूरा सर्किट फैन में नीचे की तरफ दिया गया है। एक ही कार्ड में सभी फंक्शन दिए गए हैं, SMPS भी यही है और फैन को चलाने के लिए जो कंट्रोलिंग है वह भी यहीं पर है। इस सर्किट को भी यदि अलग करना है तो 3 पेंच यहां पर लगे हुए हैं, यह 3 पेंच खोलने हैं
और यह तीन वायर हैं। इन तीनों वायर को भी अलग करने के लिए कोई पेंच नहीं है, केवल यहां से हल्का पुश करेंगे तो वायर बाहर निकल जाएगा। सर्किट बिल्कुल अलग हो गया है, केवल दो वायर हैं। यह दो वायर एसी के हैं जो यहां ऊपर से आ रहे हैं, खींचकर इनको अलग किया जा सकता है, यानी सर्किट बिल्कुल अलग हो गया है। तो फैन को रिपेयर करना भी बहुत आसान है। जैसे इंडक्शन मोटर में फैन की क्वाइल बर्न हो जाती है तो फैन खराब हो जाता है, इसमें क्वाइल कभी खराब नहीं होगी। जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो इस सर्किट में फॉल्ट आएगा, क्योंकि जब भी हमारी कोई इलेक्ट्रिसिटी खराब आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में हाई वोल्ट आ जाएगा या कोई जर्क आ जाएगा, तो मेन सप्लाई पहले इस सर्किट में आती है। तो बिजली के खराब होने से सबसे पहले यह सर्किट ही खराब होगा। और सर्किट भी जो क्वालिटी वाइज में देख रहा हूं बहुत अच्छा देख रहा हूं। इस साइड से 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक कितनी भी वोल्ट आएगी, इसकी आउटपुट साइड से जो क्वाइल को करंट जाना है वह 24 वोल्ट ही जाना है। इसीलिए इन फैन पर एसी वोल्ट के अप डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मेन सप्लाई में 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक कितनी भी कम ज्यादा आती रहेगी तो इन फैन की स्पीड एक समान रहती है। लेकिन फिर भी यदि कोई फॉल्ट आएगा तो इस सर्किट में आएगा, और यदि कंपनी सर्किट अवेलेबल कराती है तो यूजर स्वयं भी इस सर्किट को निकालकर दूसरा नया सर्किट इसमें फिट करके फैन को दुरुस्त कर सकता है। इस समय बहुत से मैकेनिक और बहुत से सेलर दुकानदार यह कहते देखे गए हैं कि यदि BLDC फैन में फॉल्ट आ जाएगा तो वह ठीक नहीं होगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो इस तरीके की बातें वह मैकेनिक और सेलर करते हैं जो नई टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं होते। लेकिन केवल सर्किट खोलने से अभी जिज्ञासा हमारी पूरी नहीं हुई है, अभी इसका स्टेटर खोलकर भी हम देखेंगे। क्वालिटी वाइज यदि स्टेटर की बात करूं तो कॉपर में यह बाइंडिंग हुआ हुआ है, बहुत अच्छी कोरें और वायर यूज किया गया है। अंदर मैग्नेट दी गई है, काफी हैवी मैग्नेट हैं, और यह मैग्नेट ही इन BLDC फैन को पावर देती हैं और इन्हीं से एनर्जी सेविंग होती है। फैन के अंदर यदि देख पा रहे होंगे तो कंपनी ने यहां पर उभरे हुए अक्षरों में एटमबर्ग लिखा है। साथ ही साथ यदि देख रहे हैं तो डबल बोल बैरिंग इसमें है और कंपनी ने एक ही जगह दो बैरिंग इसमें लगाए हैं। एक बैरिंग यह आप यहां पर देख रहे हैं और एक बैरिंग दूसरा इस साइड में है। तो इस प्रकार कंपनी के यह कुछ मेन पार्ट हैं जो आप कैमरे में देख रहे हैं, और अब इसको एज इट इज फिट कर देते हैं। और दोस्तों फैन एज इट इज आपके सामने तैयार है, एक बार चलाकर भी देख लेते हैं। और दोस्तों फैन आपका चालू हो गया है। BLDC फैन को रिपेयर करने में मात्र किसी भी मैकेनिक का 30 मिनट का समय लगना है, क्योंकि जो भी फॉल्ट आएगा केवल सर्किट में आएगा और सर्किट को ही रिप्लेस करना होता है। और जो अच्छे अपडेटेड मैकेनिक होते हैं वह सर्किट को रिपेयर भी कर सकते हैं, दूसरा नया सर्किट लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई छोटा मोटा फॉल्ट यदि सर्किट में है तो उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है। दोस्तों एटमबर्ग के इस आइकैनो मॉडल के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार की नई नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।